डॉक्टर उमेश जाधव साहब को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से इस बार उन्होंने जीतने वाले, आप लिख लो और हम जिताएंगे। आज सबसे सबसे ज्यादा कम्युनल पार्टी आज कांग्रेस पार्टी है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी अगर कम्युनल रहती थी तो गुलबर्गा के मेयर इलेक्शन में आपकी पूरी जीडीएस टीम क्यों सपोर्ट करी उनको? किसको करे? कांग्रेस को सपोर्ट करके हम लोग परेशान हुए, आज मैं बोलना चाहता हूँ। ये तो बात नहीं कि जब आज मैंने की जरूरत पड़ी तो आप सुनिए, देखो हम आपको मेजोरिटी की जरूरत नहीं तो आप कांग्रेस को कम्युनल बोल रहे। ये दो ढाई महीने में कौन सा भी लीडर पानी के लिए बात नहीं कर सकता, सिर्फ कृष्णा रेड्डी एक ही बात कर सकता है आपके बीच, बोलता हूँ। एमएस के मिल में कई मेरी माँ और बहनों का मैं देख रहा हूँ तकलीफ, गड़े लेके पानी को ढूंढ लेते फिर रही है दिनों में। आलम प्रो पाटिल क्या करे, नींद करे क्या? इलेक्शन से पहले बड़े बड़े बातें करे। मैं फरज इस्लाम को बोलना चाहता हूँ आपके सोशल मीडिया के जरिए, जब तुम हमारे नेतृत्व में अगर नहीं करना चाह रहे तो तुम खुद चार बोरेल मारो भाई ठहर के। कृष्णा साहब, मेयर इलेक्शन को लेकर अभी आगे क्या प्रोसीजर है, क्योंकि ऑलरेडी गुलबर्गा के मेयर जो है उनका टाइम खत्म हो गया है, तो आप नेक्स्ट क्या प्रोसीजर रहेगा मेयर इलेक्शन? देखो मैं आज सवेरे कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से मिला था, 22nd टर्म के हिसाब से जो मेयर इलेक्शन है ST कैटेगरी है और डिप्टी मेयर जो है BC ये कैटेगरी आया है, तो आज कमिश्नर साहब से मैं यही पूछा हूँ कि MP इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट जो लगा है अभी, तो मेयर इलेक्शन क्यों नहीं कर सकते बोल के मैं उनसे क्वेश्चन डाला था। तो कल जो है बल्लारी का मेयर इलेक्शन कल होने जा रहा है, तो ये MP इलेक्शन को सिटी के जो मेयर इलेक्शन को कौन संबंध नहीं है बोल के ऐसा कुछ कहना है, इलेक्शन कर सकते हैं बोल के। तो आज कमिश्नर साहब को मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि गुलबर्गे के अंदर मेयर इलेक्शन का आप फॉलोअप करके डेट लाइए, क्यों बोले तो गुलबर्गे के आवाम जो है अभी पानी को लेके बहुत परेशान है। आज LNT के हकदार में जो काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं फेल है बोल के मैं बोल सकता हूँ। वार्ड नंबर 16 जो मेरे वालदा वहाँ पे कारपेट रहे, आज वहाँ के आवाम पानी को लेके बहुत परेशान है। मैं वो लोगों से डेली बात कर रहा हूँ, कितना भी हम कोशिश कर रहे तो भी LNT जो 8-10 दिन के बाद में जो गवर्नमेंट सप्लाई जो दे रहे हैं, ये आवाम को कहीं ना कहीं पानी को लेके बहुत परेशान है। और जो कॉरपोरेशन के अंदर जो ऑफिसर्स हो सकते हैं और जो मेयर डिप्टी मेयर ये लोग हो सकते हैं, इनका जिम्मेदार बनता है कि गुलबर्गा सिटीजन को केयर करे बोल के। क्यों बोले तो अभी MP इलेक्शन में सब लोग बिजी है, बात करें तो हम MP इलेक्शन में मीटिंग चल रहा वो चल रहा बोल के कमिश्नर साहब का कहना है। मैं कमिश्नर साहब से ये भी रिक्वेस्ट किया हूँ कि कई वार्डों में बोरेल का बहुत रिक्वायरमेंट है, कमिश्नर साहब का हाल ही में 1-2 महीना पहले से भी मैं इनको फॉलोअप कर रहा हूँ, उनका यही कहना है कि हम इंचार्ज मिनिस्टर साहब से भी बोरेल के लिए फंड पूछे, अभी तक फंड हमको नहीं मिला है बोल के कमिश्नर साहब का कहना है। और KKIDB में भी हम लोग प्रपोजल भेजे है, अभी तक KKIDB का भी नहीं आया फंड बोल के कमिश्नर साहब का कहना है। ये जो इमरजेंसी के तौर पे आज गुलबर्गे के आवाम के लिए ये लोग इमिडिएट जो फंड होता है वो रिलीज़ करना चाहिए, पानी को लेके मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी रहेगा बजट रिलीज़ करने के लिए सरकार को, क्यों इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में जो सरकार का जो भी बजट होता है रिलीज़ करने के लिए मुश्किल होता है। तो इसके ऊपर जो इंचार्ज मिनिस्टर साहब है प्रियंक करके साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पानी पिलाने के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट मत रखिए, एक उसको एक रूल बना के इमीडिएट इलेक्शन कमिश्नर से एक परमिशन लेके, आज गुलबर्गे के आवाम परेशान है उनके लिए एक बजट लॉन्च करके इमीडिएट क्या है पानी का जो मसला है वो हल करो बोल के मैं आज इंचार्ज मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे अभी MP इलेक्शन में सब लोग बिजी है, MP इलेक्शन डिक्लेयर होते साथ ही पूरे कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स बिजी है, कोई भी ऑफिसर्स को हम कॉल कर रहे हैं तो उन्होंने बोलते हैं कि हम DC ऑफिस में मीटिंग में है। तो आप लोग वहाँ पे कमिश्नर साहब को मैं आज बोला हूँ कि गुलबर्गे के आवाम को संभालने के लिए, आवाम के तकलीफ को संभालने के लिए एक ऑफिसर स्टाफ को हायर करिए, आप लोग इलेक्शन के इसमें बिजी रहेंगे DC ऑफिस में, मगर आज हमारे प्रॉब्लम समझने के लिए वहाँ पे कोई डिप्टी मेयर मेयर भी नहीं बैठे और स्टैंडिंग कमेटी